हम आपके लिए लाए हैं बटेर, और इतनी महंगाई में सबसे सस्ता तरीन बटेर जो कि आपको यहाँ मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्ट्रीट वाइज। स्ट्रीट वाइज में आपको बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं। हम लोग एक ऐसी जगह आए हैं जो आपके वहमो गुमान में भी हो, एक ऐसी जगह और एक ऐसा स्टार्टर जिसे कह सकते हैं, पूरा मील तो नहीं कहेंगे, स्टार्टर कहेंगे इसको। स्टार्टर मील आपके लिए ऐसी जगह लाए हैं जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो कि आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ज़रूर खाया होगा, वो भी इतना महंगा। ये आपको स्ट्रीट फूड में लेकर आ रहे हैं, और सस्ता स्ट्रीट फूड सिर्फ 180 रुपए का बटेर, होल बटेर, जो कि ग्रिल फॉर्म भी मिलेगा और क्रिस्पी भी मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको बताते चलूँ कि बिल्कुल पिज़्ज़ा मैक्स है, नॉर्थ आज़माबाद ब्लॉक के एच में पिज़्ज़ा मैक्स और डॉक्टर शिराज क्लिनिक के बिल्कुल सामने पिज़्ज़ा मैक्स वाली रोड पर मिलेगा। जो कि अगर वहाँ से 5 स्टार्स आते हैं, 5 स्टार से जो आ रहे हैं, केस वैली वाली लाइन में ही आपको थोड़ा सा आगे बटेर हाउस के नाम से मिलेगा, वो बटेर हाउस के नाम से मिलता है। और बटेर आप खा के देखते हैं, और पहले तो इनके ओनर के पास चलते हैं। ओनर है, इनका नाम है सर बुलंद साहब, जो कि एक टीचर भी हैं, स्कूल में पढ़ाते भी हैं और पार्ट टाइम बिजनेस भी करते हैं, और इनकी अपनी फार्मिंग भी है बटेर की, जो बटेर की फार्मिंग भी करते हैं। तो आइए उनके पास चलते हैं और फिर पूछते हैं उनसे कि उसकी क्या डिटेल्स है, कब से स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया। तो आइए चलते हैं। ये बताएं कि आपको ये बटेर हाउस बनाने का ख्याल कैसे आया? बटेर हाउस बनाने का ख्याल ऐसा है कि सर फार्मिंग में कर रहा था बटेर की ना साइड पे, इसलिए यह था कि मैंने सोच किया था कि भाई बटेर चलता तो है, खाते भी है लोग, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ वगैरह में, स्ट्रीट फूड में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, खाया रहा है कि इसको जैसे हमने स्ट्रीट फूड में हमने पूरा इंट्रोड्यूस किया था, फिर हमने इसको तीन किस्म का कैमरे में साइड और क्रिस्पी वाला, और अब हम साइड ग्रिल में भी हमने दो तरह का कर दिया, हमके मलाई बोटी भी दे रहे और जो हमारा ब्राउन वाला स्पाइसी कर रहा है। सुना आप मैथ्स के टीचर भी? मैथ्स के टीचर भी, मैथ्स के टीचर सुबह मेरी टीचिंग की जॉब है, वो पढ़ाता हूँ, और फिर उसके बाद फिर एग्जाम में काम करते। आपको ऐसा लगा नहीं कि यार मैं एक स्टॉल लाऊंगा तो खाने के लिए दूँ? नहीं नहीं सर, मैथ्स में क्या करना, मैंने बी टी किया हुआ है, मैं बी टी तो करना ही था, खाने के बाद बताइए कितना टेस्टी है। तो चलते हैं इनके पास। आ गया है नवी भाई, ये देखें ना बटेर जो है मेरे पास आ गया है, ग्रिल भी आ गया है, क्रिस्पी भी आ गया है और विंग्स भी आ गए। क्या कह रहे हैं आपको वन बाय वन खा के बताऊँगा, क्या कहता हूँ पहले ग्रिल खा लेता हूँ। मज़ेदार है भाई, कहा भाई
फुल बटेर वाला जायका, बटेर वाला जायका और मसाला जो लगाया ना ज़बरदस्त फिट मसाला लगाया। मैं क्रिस्पी बटेर खा के बताता हूँ क्या कहता हूँ। सर्दियों में खाने का जो मज़ा आया ना बेहतरीन मज़ा आया था, और ये इतना टेस्टी है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है और बहुत सस्ता और अच्छा बनावा भी बहुत अच्छा है और सस्ता भी है। हर किसी के दस्तरस में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आएँ ज़रूर और इसको एक बार लाजमी चखें। ख़ास तौर पर ये सर्दियाँ जो जाती जाती सर्दियाँ हैं उसमें आप लाजमी इसको चखें और मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस। तो आप खाते हैं, खाने के बाद फिर आपसे बताऊँगा। ये है मलाई, मलाई वाला था ना ये बटेर, क्रिस्पी है ना? नहीं, मलाई बटेर है ये, ठीक है। और ये था टिक्का और ये था क्रिस्पी, ये दोनों फ्राई हुए थे और ये ग्रिल्ड हुए, ठीक है। अच्छा हम खा के बैठे थे तो निकाले ना इन्होंने ये क्रिस्पी और मलाई, ये आपको शायद कहीं कहीं मिलेंगे। ग्रिल तो मेरे ख्याल में नहीं मिलता, कहीं मिलते भी हैं तो फ्राई मिलते हैं। हाँ फ्राई मिलते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके का फ्राई भी नहीं मिलता जो क्रिस्पी ने बनाया हुआ, तो ये भी एक नई चीज़ है। ये दोनों भी नई चीज़ है। तो बाकी इसका अगर मम्मी भाई ने ये तो टेस्ट कर लिया था, अच्छा पटेट का टेस्ट तो होता है। साले का जो चटनी बनाई है ना, ये जो सॉस है बड़ा ज़बरदस्त है, ये सॉस जो है ना सोने पे सुहागा का काम, ठीक है। और ये मलाई चेक करें, हाँ मज़ा आया, ज़्यादा मलाई वाला ज़्यादा अच्छा। चले मानो यार, मानो एक मलाई यार आप खाते रहेंगे, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। आप तो क्या कहते हैं, ये है ना ग्रिल और मलाई, ये दिल ले गया, ठीक है। बाकी ये जो है वो ऐसा जिंगर वो टाइप होते हैं, ठीक है। उसके टेस्ट जो है वो इतना खास नहीं है, ठीक है, चलता है। लेकिन ये बटेर है तो सब कुछ चलता है इसके ऊपर, ठीक है। तो बस खाते हैं और खाने के बाद फिर आपसे बताते कैसा है। भाइयों दोस्तों, हमने अब खाना खा चुके हैं, हम लोग बटेरे हैं वो खा चुके हैं, पेट में जा चुकी है। और अब ये आप पूछ रहे हो, सोच रहे हूँ कैसा था, ये बेहतरीन जबरदस्त बारबेक्यू और जो है जो उनके जो पिज्जा था मलाई वाला बारबेक्यू बेहतरीन था, ज़बरदस्त था। और वो जो क्रिस्पी था वो नॉर्मल था, सही था, लेकिन बारबेक्यू आइटम जो था ना वो बेहतरीन था। और एक और बात, एक तो बटेर ऊपर से सस्ता बटेर जो आपको यहाँ पर मिलेगा नॉर्थ अंदर ब्लॉक एच में, जो पिज़्ज़ा मैक्स के बिल्कुल सामने है और डॉक्टर शिराज साहब है उनके अपोजिट साइड पे बिल्कुल है, यहाँ पर आइए आप लोग। कितने का था? और हाँ सस्ता तो बता रहा हूँ, सिर्फ 180 रुपये का पूरा होल बटर, होल बटेर, पूरा बटेर। आपको ग्रिल फॉर्म में चाहिए ग्रिल फॉर्म में मिलेगा, आपको क्रिस्पी चाहिए क्रिस्पी मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से आइए यहाँ पर सर्दियाँ ख़त्म होने से पहले, ताकि इस बटेर क्या कहते हैं एटमोसफियर जो है हमारा सीज़न जो है विंटर जो है साथ साथ आपको इससे भी रेस्पन्द हो ताकि आपको मज़ा आए। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और एक बात और, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसको व्यूज देखना ना भूलिएगा। और मिलते हैं भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।